कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम गाइस, ईद मुबारक। गाइस यार आपको पता है मैं उठी हूँ सुबह सुबह ना, अभी मैंने लड़ झगड़ के अपनी बहनों से लिया शीशा और अभी मैंने भी मुंह धोना है। नमाज तो नहीं पढ़नी ईद की, मुंह धोना है, तैयार होना है। डायरेक्ट मैं आ गई हूँ व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ना ईद का ड्रेस दिखा देती हूँ, फिर एक साथ तैयार होकर दिखा दूंगी। यार ये टंगे हुए हैं ईद के ड्रेस, ये मेरी मम्मा का है, ये मेरी बहन का है, और एक सेकंड मैं देखूँ, ये वाला मेरा है, ए वाला मेरा है। ओए होए, इसकी तो प्रेसिंग का बेड़ा गर्क हो गया यार। अभी तो मैं इसको उतारूंगी, क्या हो गया, क्यों हो गया प्रेसिंग का बेड़ा गर्क। आपने इसका पजामा ठीक किया था मम्मा? अल्लाह करे इसका पजामा मुझे पूरा हो। पहना तो था तुमने? नहीं पूरा था ना, तब लंबा नहीं किया मैंने, सिर्फ खोला नीचे से उसकी शेप है, जिस तरह से उसका जो लगा था। गाइस ये देखें, ये है मेरा ड्रेस, पूरा नजर आ रहा है, अभी पहनूंगी ना। वैसे ये प्यारा लग रहा है दिखने में तो मम्मा, है ना? हाँ हाँ बस कर रही हूँ, जल्दी कर रही हूँ। मलाइका फाउंडेशन दे दो मुझे आप इज्जत। आई इधर से आके ले लो, मैं आपके चक्कर, अब मैं उधर आपके चक्कर लगा। ओके गाइस, ये है हमारी फाउंडेशन जिसको हम आज लेपा पोती करेंगे। देखें जी इसको ऐसे कितना, मैं बस इतना सा डालूंगी, पूरा पंप अगर दबा दिया ना तो बहुत ज्यादा निकल आएगा, फिर फाउंडेशन जाया हो जाएगी। चलो मैं जरा दिखा दूँ। ओके गाइस ये देखे, मैं ना इसमें फाउंडेशन में एक दो ड्रॉप्स आमंड ऑयल के डालूंगी, ठीक है? मासी पत्तो लग रही हूँ क्योंकि वैसे तो गर्मियाँ हैं, लेकिन ना मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील हो रही है, एक दो ड्रॉप्स डालूंगी। ओके सो गाइस अब देखिए मैं टेंट लगाऊंगी, ये सेरेंडिपिटी का, उस दिन मुझसे कोई पूछ रहा था, और ये मलाइका कौन सा था? हाँ प्योरीफाइड डॉट पी के था। हटो यहाँ से, ओके पीछे से तौलिए सेट कर दो मेरी बहनों। ओके गाइस अभी देखो मेरा मेकअप हो गया, अब मैं यार दो मिनट के लिए जरा अपनी, और मेरा व्लॉग चल रहा है, दो मिनट के लिए चुप हो जाओ बहनों। गाइस अब ना जल्दी से शुरू करते हैं, मेरी ट्रांजिशन का वक्त आ गया, चुटकी मार के ट्रांजिशन करते हैं, बहुत बोल रहे हैं ये या नहीं चुटकी बजा। ओके गाइस चुटकी बजा ट्रांजिशन कर दिए। ओ चप्पलें तो मैंने बाथरूम की पहनी हुई है। अरे यार कितने चप्पल मेरे, यार कैन यू इमेजिन कि मुझे फ्लैट्स नहीं मिल रहे मेरे मिसा मलाइका किधर। हाँ ओके यार अभी घर में ना बस ये घर के ही ठीक है, बस पंपीज तो नहीं पहन रही। ओके फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। यार एक तो ये जो ये वाला स्टॉलर ना ये बिल्कुल नहीं टिकता सर पे, फ्लैट्स मैंने घर वाले ही पहने क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं बाहर तो मैं जा नहीं रही, बाहर जाता है बंदा तो कोई पंपीज वगैरह पहन लेता है। अभी जो है ना ये वाले ऐसे फ्लैट्स ही बहुत हैं, ठीक ठाक हैं, ठीक है अब चलूं जरा। ओके गाइस तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ मलाइका का ड्रेस, मलाइका का वो ड्रेस है जो मारिया बी से लिया था, और फिलहाल हम तीनों में से सबसे अच्छा ड्रेस मुझे मलाइका का लग रहा है। पीछे से ये ड्रेस प्लेन है, आगे से इस पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। गर्मी लग रही है यार, कर रही हूँ जो ना वो देखो मेरा पूरा कार्ड तो खराब हो गया। ओके सो यप इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, 11 या 11:30 आई गेस। यस आपको पता है सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है, एक बात बताऊँ इस बार जो ईद हुई है ना मुझे इसमें ना हो रहे हैं माउथ अल्सर्स ना। अब तो खैर ईद के दूसरे दिन तो काफ़ी बेटर हो गया, लेकिन ईद से पहले, ईद के पहले दिन और उससे एक दिन पहले, ओफ माई गॉड, इवन मैं कुछ मीठा भी खा रही हूँ ना, खीर भी या आम मैंने थोड़ा सा खाया तो मुझे इतनी जलन कर रहा था, तो यार इट्स पेनफुल हो रही है। नीचे आ गए ना कसाई मामा,
ये ओके यार गाइस, अब सीन ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैंने तो अपना आमंड ऑयल निकाला है, मैं सारा मेकअप भी उतारी हूँ, कपड़े भी चेंज करी हूँ, और फिर मुझे नीचे जाने जा लेके चलती हूँ। तयका तुम लोग नीचे हो, मैं आ रही हूँ। ओके सो अब कुर्बानी देखनी है मैंने, और आपको पता है मेरी बचपन से आदत है यार, मैं सोचती हूँ कि कुर्बानी की ईद में अगर बंदा कुर्बानी ही ना देखे होते हुए तो वो कैसी ईद हुई। मतलब मैं जो हूँ, मैं इस चीज़ में, मैं कभी भी इस चीज़ में पीछे नहीं रहती। मेरी एक्साइटमेंट ही ये होती है ये जब जानवर ज़बह हो रहे होते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं भी देखते यस, और किसी को खून से चक्कर आते हैं या कुछ भी, लेकिन बहरहाल मेरे साथ ऐसी नज़ाकत वाला कोई मामला नहीं है। खैर मैं आपको ना, अच्छा बी सीरियस, एक बात, एक नहीं दो तीन बातें बताती हूँ कुर्बानी की ईद के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है कि जानवर जो होते हैं ना उनको एक दूसरे के सामने ज़बा मत किया करें। स्पेशली मैंने कसाईयों का ये देखा है, वो इस चीज़ का, शायद उन्हें जल्दी होती है तो वो इस चीज़ का नहीं करते, मतलब वो तो एक साथ ही आगे पीछे ऐसा खड़काना शुरू करते हैं जानवरों को, फिर उसके बाद ना एक के बाद एक सामने सामने एक दूसरे के सामने ही उनको आपस में ज़बा कर रहे होते हैं। मतलब एक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी, ये जो सर होते हैं ना जानवरों के सिरी, ठीक है यार, इसकी कोशिश किया करो इसको जगह जगह ना फेंका करो। मैं कराची जाती हूँ ना, स्पेशली ईद के बाद कराची चले जाओ, हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में आपको सिरी फेंकी हुई मिल रही होगी यार। उजड़ी तो चलो आपने हर जगह फेंकी हुई, खैर वो भी नहीं फेंकनी चाहिए, मगर सर आप कैसे एक जानवर कुर्बानी का जिसकी हुरमत करनी चाहिए, आप उसकी सिरी ऐसे ही इधर उधर फेंक कर कितनी बेहुरमती कर रहे हो। तो ऐसे नहीं करो, कोशिश करो किसी गरीब को दे दो। आपको एक बार बताऊं, गरीब खाते हैं वो, ठीक है, लेकिन ऐसे बेहुरमती मत किया करो इस सिर की। ओह माय गॉड, सो गाइस, मम्मा मैं कब, मम्मा आप ये लॉन के मैंने निकाले हैं अपने लिए। तो यार ये देखो, मैंने जो है अपने लिए, जो इस वक्त मेरी बहुत बुरी हालत हो रही, कितना मुझे पसीना आ गया, पूरा आया हुआ, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। खैर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ना एक अभी पहनने के लिए एक बहुत ही, बहुत पुराना नहीं, मतलब मैंने कोई नया लॉन करने निकाला, क्योंकि बिल्कुल भी पहनने की गुंजाइश नहीं है नया वाला, मतलब जो नयों में से थोड़ा सा पुराना होता है ना, जो थोड़ा सा पहन पहन के सॉफ्ट हुआ होता है, मैं वो ड्रेस पहन के जा रही हूँ। बस भाई गर्मी में इतनी ईद बंदा मना सकता है कि उसके बाद दिन के 12 बजे फिर बंदे का ये हाल हो जाता है, जिस वक्त मेरा हुआ है। आई कैंट अफोर्ड, तो मैंने ना इस वजह से ये निकाला है एक, जैसे मतलब ठीक सॉफ्ट ड्रेस है बस, जिसमें ना हम रिलैक्स में हो जाऊँ। सो अब लेट्स चेंज दिस। ओके सो यार अब देखो इस ड्रेस का हाल, अब पता है मैंने आज ही पहना है फर्स्ट टाइम ही, तो मैं चाह रही हूँ कि ये इसका, इसको जो है ना वॉश उससे ना, सर्फ वगैरह से ना, इसको मैं अभी हल्का सा सादे पानी से साफ कर दूं, और वो मेरा स्टॉलर पड़ा हुआ है ये, मैंने इसको ना सादे से पानी में मैंने का डाल कर हल्का सा थोड़ी देर 2 मिनट इसको छोड़ूंगी ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें गंदा नहीं हुआ ड्रेस। अब इसको मैं हैंग करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आज पहना है ना, मैं कह रही हूँ अब एक दो जगह पहन लूँ, फिर उसके बाद ड्रायर में डालकर भले रगड़ा लगवा दूंगी। अच्छा अब मैं आपको ना एक काम की बात बताती हूँ, आपने भी जो गर्मियों में ऐसे ड्रेस पहने ना, उन पे फर्स्ट टाइम जो हम पहनते और पसीना आ जाए ना, सिंपल पानी से निकाल दें, उस सर्फ वगैरह से ना धोएं, क्योंकि उससे फिर शाइन खराब हो जाती है। उसके बाद देखें ये इस बॉटल में कम्फर्ट है ना, 2-3 ड्रॉप्स मैंने पानी में कम्फर्ट के डाले, और उस कंफर्ट वाले पानी से ना ड्रेस को निकाल दें, और इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही होती है, ड्रेस की शाइन भी नहीं खराब होती। 2-3 बार धुल जाए फिर वो, 2-3 बार जब पहन लो फिर तो भले धो धा के निकाल दो, कुछ मसला नहीं है सर से भी। ओके सो यप, दिस इज ऑल डन। अच्छा गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कुर्बानी का होता है उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने बहुत जगह पर ये चीज़ देखी है और बहुत अफसोस का मकाम है हमारे लिए ना, कि मैंने देखा कि जिस तरह से जब गोश्त होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो गरीबों का हिस्सा बनाते हैं ना, उसमें लोग अक्सर क्या करते हैं कि सिर्फ 1 या 2 बोटियां अच्छी डालकर और सारी छीछड़े, चर्बी और हड्डियां डाल देते हैं। यार मतलब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरी तो समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने 3 हिस्से हमें तरीका बताया गया, 1 रिश्तेदारों का करना है, 1 गरीबों का और 1 अपना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके यार, उसके बाद आप पूरे साल जब आप गोश्त खाते रहते हो, जब आपको फिर भी कुर्बानी में इतनी हिरस हो रही है कि आप अपने लिए अच्छे से अच्छा गोश्त और ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे हो, तो यार जो लोग पूरे साल में, कितने सारे लोग हैं खाते ही सिर्फ इस ईद में, आप उनको ऐसा गोश्त दे रहे हो कि इसमें सिर्फ 1-2 बोटी अच्छी, बाकी सारी चर्बी और छीछड़ों वाली या हड्डियाँ। मैंने लिटरली ऐसा देखा है, जो हमारी हेल्पर है उसके हाथ में, मैंने लिटरली उसने मुझे दिखाया तो उसके हाथ में ऐसा गोश्त था, मतलब उसको किसी ने दिया, और मैं शाबाश
मैं तो देती हूँ उन बंदों को कि अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया है सब में से। मतलब हिरस इतनी भी नहीं होनी चाहिए यार कि इंसान पर दूसरे की ज़रूरत पर सिर्फ अपने आप को फोकियत देना। और आपको पता ही बात बताऊँ कि आपको ट्राई करके देखो कि बिल्कुल इक्वल गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करो और आप नोटिस करोगे हर ईद में जो है ना आपकी गुंजाइश पिछली ईद से ज़्यादा बढ़ जाएगी कुर्बानी की। इसको एक बार वॉश करना है मलाइका, फिर उसके बाद मैं नहीं वॉश करूँगी। तुझे बस फोन पे मम्मा ने सिर्फ कैमरा देखने के लिए है। या वॉश तो अत्ता करेगी भाई, वॉश वाला काम चॉप तुम करोगे ठीक है, प्याज टमाटर कबाबों के लिए सब कुछ चॉप करना होगा। सही बात है, तुम लोग सही बात है बिल्कुल। बेटा बात सुनो, वॉश करने में कौन सी साइंस है, मेरा वो अब थोड़ा दिल नहीं कर रहा उसको। मैं सिर्फ अच्छा ठीक है, मैं प्याज टमाटर सब चॉप करूंगी, इसको तुम लोग चॉप करो, जो धोएगा वो उसको चॉप करेगा, बात खत्म। अच्छा इसने बोला है कि जो गोश्त धोएगा फिर वो प्याज टमाटर सब चॉप करेगा। नहीं तो बंदा गोश्त धोएगा और एक बंदा भाई जो बंदा गोश्त नहीं धो रहा वो चॉपर में गोश्त क्यों करेगा। सो यार दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज व्लॉग, ये छुरी बहुत खराब निकली है यार। अच्छा जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई भी अच्छी चीज मुझसे सीखी हो तो मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।